हाँ अंदर मजार शरीफ बीच में पैसे गिरे बोले तो इसकी मन्नत पूरी हो जाती है। अच्छा ये मजार, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखिए गाइस एक चीज बता दूं कि यहाँ पर ये मान्यता है कि अगर आपने सिक्का लेकर के और कोई मन्नत मुराद मांगी। हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद में मौला अली के नाम का रेलवे स्टेशन है जो कि लोग आए मौला अली के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से जा रहे हैं मौला अली की बारगाह। यहाँ पे एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पंचतन। अब देख सकते हो हम लोग मौला अली की बारगाह पहुँच चुके हैं और ये देखिए अभी ये वाली पहाड़ जो है ये मेरे को अकेला ऊपर पड़ी चढ़ के जाना पड़ता है कि उनके सर के ऊपर पंजे का निशान था। अच्छा सर के ऊपर पंजे का निशान था, सुभान अल्लाह। देखिए पूरी खड़ी चट्टान थी ये पहले टाइम में और ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह का नाम लिखा हुआ कितना प्यारा शब्द। अरे वाह, जितने भी पत्थर हैं उन पत्थरों में नाम लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ मन्नत के लोग ताले बांध के जाते हैं और अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती तो इंशाल्लाह ये ताला को खोल के चल जाते हो। देखो कितनी पब्लिक, अरे पब्लिक तो बहुत आई है। क्या होता है इसके अंदर आग डालते हैं और आग डाल के गोल घूमते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और जो पंजे मुबारक है अंदर है महफूज वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये छोटे छोटे जो बच्चे लेकर के आते हैं अगर किसी की तबीयत खराब है बीमार रहता तो ये दम करा हुआ पानी रहता, दम करा हुआ पानी पिलाते हैं और मन्नत का धागा बनते हैं। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी बच्चे जो होते हैं या कोई भी घर में बीमार आदमी होते हैं वो इंशाल्लाह ठीक होकर के चल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं हैदराबाद में मौला अली की दरगाह पे पहुंच चुका हूं माशाल्लाह। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहां का क्या वाकया है और यहां की क्या करामत है थोड़ा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये है कि आज मैं आया हूँ मौला अली के नाम के जो रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ मौला अली की बारगाह, यहाँ से थोड़ी सी दूर है 2 किलोमीटर दूर। तो चलते हैं जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या मामला है। और इतना ज़्यादा मशहूर है कि माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं ज़ियारत के लिए, तो पूरा बताएंगे चल के। तो आप देख सकते हो हम लोग मौला अली की दरगाह जा रहे थे, उससे पहले आप लोग हैदराबाद शहर थोड़ा देख लो। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत, हर जगह आप जहाँ से भी गुजरेंगे ना बहुत ही खूबसूरत प्यारी इस तरीके की मस्जिद आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे आप लोग नमाज पढ़ते हुए जा सकते हो माशाल्लाह। अली की दरगाह जा रहे थे, रास्ते में एक हमें यहाँ पे दरगाह शरीफ दिखी तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ की वीडियो बनाते हुए जाए। तो देख सकते हो ये मौला अली, इस एरिया का नाम पूरा मौला अली है और ये दरगाह शरीफ का नाम है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं ज़ियारत भी करते हैं, दुआ मांगते हैं। अभी हम लोग भी जा रहे हैं, दुआ मांगते हैं, सलाम पेश करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत दरगाह है, अल्लाह के वली जंगल में आलाम फरमा रहे हैं। सुभान देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आप आकर के यहाँ से ज़ियारत भी करके जा सकते हैं। सुभान यहाँ पे कोई मुजावर अभी दिखे नहीं, कहीं गए होंगे। देखिए कितना बड़ा दरख्त है और ये दरख्त के बाजू में ही दरगाह शरीफ है। यहाँ साफ सफाई करने वाले, किताब पढ़ने वाले और ये छोटी मस्जिद है। ये मस्जिद लग रही है यहाँ, हाँ देखिए कुरान की तिलावत करने वाले और छोटी मस्जिद है। यहाँ पे लोग आते हैं ज़ियारत करते हैं, दुआ मांगते हैं और चले जाते हैं। देखिए सुभान अल्लाह, ये आ गए हम लोग मौला अली। ये देखिए गाइस मौला अली के नाम का रेलवे स्टेशन है, अभी देखते ट्रेन है कि नहीं। हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद में मौला अली के नाम का रेलवे स्टेशन है जो कि तेलुगु में लिखा है, हिंदी में लिखा है और अंग्रेजी में लिखा है। चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए मौला अली के नाम का रेलवे स्टेशन है, यहाँ हैदराबाद में हम लोग आए हुए हैं। देखो यहाँ पे ये ट्रेन आ रही क्या? नहीं। तो क्या हो रहा? यहाँ पर ट्रेन आ रही नहीं है, यहाँ पे इंसान जो बीमारी में रहता जादू टोनों में वो सही होके जाता। यहाँ पे इंसान तो इंसान, यहाँ पे ट्रेन भी ठीक होके जाती है। यहाँ पे देख लूंगा सही बात है, यानी मौला अली के नाम में इतना दम है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेन भी उनके नाम से ठीक हो जाती है, रिपेयर होके जा रही है। हाँ सही बात है, मतलब इस एरिया में गाड़ियाँ ठीक होके जाती है, मतलब गाड़ियाँ मतलब ट्रेन ठीक होती है, रिपेयरिंग होती है यहाँ पे। हाँ ये देख सकते हो हम लोग मौला अली के
रेलवे स्टेशन में। यहाँ चार भाषा चलती है, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, है ना? सही है माशाल्लाह। आज हम लोग आए हैं मौला अली के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से जा रहे हैं मौला अली की बारगाह। यहाँ पे एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पंचतन पाक का पूरे वो लगे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं और पंचतन पाक का पूरा रोजा बना हुआ है। तो मौला अली की बारगाह हम जाएंगे, आपको ज़ियारत कराएंगे। और ये हैदराबाद के, हैदराबाद शहर से करीबन कितना किलोमीटर, चार पाँच कितना, दस बार पंद्रह किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर है ये। और हैदराबाद शहर में ही है, मतलब मेन ओल्ड सिटी से 15 किलोमीटर दूर, 15-20। हाँ, तो यहाँ पे ट्रेन भी आती है, पर ट्रेन का जो टाइमिंग है सुबह और शाम आती है, शाम को 5-4 बजे के आसपास आती हैं ट्रेनें ज़्यादातर, और सुबह आती हैं 10-11 और उसके पहले आती हैं। तो आप जब भी आए, मैंने पूरा डिटेल दे रखा है, तो आप आ सकते हैं। तो अभी देखिए मौला अली के नाम का यहाँ पे माशाल्लाह इतना बड़ा मर्तबा है कि उनके नाम से पूरी ट्रेन चलती है और यहाँ पे सुबह शाम आती है। हाँ, अगर आपको आना है तो सुबह शाम कभी भी आ सकते हो, मौला अली स्टेशन उतर के आप यहाँ से जा सकते हो। मौला अली कहाँ पर जाना, ये वाला सीधा, आप ऑटो लें, आप ऑटो लें, आप चलाते। अच्छा, अगर हाँ कोई कस्टमर यहाँ से आता और मौला अली जाना चाहता, कितने रुपए लगते? 2 सवारी, 3 सवारी, 1 सवारी, एक आदमी मानो, मतलब कितने भी आओ। ठीक है, यहाँ से कितना किलोमीटर दूर होगा? अच्छा ठीक है, यहाँ से कितना किलोमीटर दूर होगा? 4 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, आप अगर मौला अली के रेलवे स्टेशन उतरते तो यहाँ से आपको ऑटो वगैरह भी मिल जाता, तो ये कुछ कम जाता भी होता ना, थोड़ा बहुत पैसा कम जाता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर अभी ट्रेन का टाइम कितना, अच्छा सुबह सुबह आती है और शाम को आती है ना, 11 बजे का था, 12 बजे का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे भाई लोग हमारे, क्या नाम है तुम्हारा और आपका जी? ठीक है, अरे वाह बहुत बढ़िया, नाइस। गेट आता कमान है, ये देखिए सामने ऊपर पहाड़ देख सकते हो, और ये कमान है यानी गेट है, देखिए मौला अली का गेट, ये मस्जिद, यहाँ बाजू में पहाड़ है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए गाइस, फाइनली हम लोग मौला अली की दरगाह की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे कितनी सामने, मैं तो नाम जपूंगा। ये देखिए पहाड़ के ऊपर जाना है, कितना खूबसूरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली की दरगाह है, काफ़ी पब्लिक जा रही है, अरे वाह माशाल्लाह। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो हम लोग मौला अली पहुंच चुके हैं और ये रही सीढ़ियाँ, अब ये कितनी सीढ़ियाँ ऊपर जाना पड़ेगा वो देखते हैं। हम लोग देख सकते हो हम लोग मौला अली की बारगाह पहुंच चुके हैं और ये पूरी सीढ़ियाँ पार को चढ़ के जाना पड़ता। हमारा भाई अभी यहीं छोड़ के जा रहा है, मेरे को बोले भाई हालत टाइट हो जाती, ऊपर नहीं जाता मैं, तुम ऊपर जाओ। तो चलो ऊपर तो मैं तो जाऊँगा ही, मेरा काम है। कितनी सीढ़ियाँ होंगी अंदाजन? 500 सीढ़ियाँ हैं, 501 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता। देखिए इधर इधर से गाड़ियाँ मोटर नहीं जा रहे, अब ये रख जब आए तो उरूस के ऊपर साल होता, उधर खोल दिए, उधर गाड़ियाँ मोटर हम पूरे जा रहे, उधर से जा रहे अम्मा। हाँ ओके, हमें बाबा जान मिले हैं जी। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सैयद निसार अली खान उर्फियत हसन जी। थोड़ा सा हमें यहाँ के बारे में बताइए, मकबरे बने हुए हैं और इमाम बारगाह है जी, थोड़ा सा बताएं यहाँ के बारे में, क्या वहाँ क्या मिलता है? जो है आप पढ़िए, ये मीर मूसा खान रुकनुद्दौला जी, ये प्राइम मिनिस्टर थे आसिफ जाए निज़ाम के जी, तो इन्हों जो है जमाने तक अपनी वो प्राइम मिनिस्टर शिप चली जी। खास खसूसी ये है कि उनके सर के ऊपर पंजे का निशान था। अच्छा, सर के ऊपर पंजे का निशान था, सुभान अल्लाह। इनको जना ये बताया गया था कि ये जना सानिया नजफ है, इलीचपुर में आपका जो है ना
मर्डर हुआ था जी, तो वहाँ से जो है ना लेकर आके फिर यही दफन किए हैं। अच्छा, तो ये सानिया नजफ की जो है ना वो है, तो इनका जो है ना है। और ये बाजू में जो बिल्डिंग बन, ये जो है ना हम जो है ना हुसैनिया बनाए हैं जी, मेरे नाना इनायत जंग है जी, मेरे दादा मुशीर जंग जी, दोनों भाई हैं, बड़े भाई मुशीर जंग, छोटे भाई इनायत जंग जी। तो हमारे जो है जो वहाँ भी बहुत बड़ा आशूर खाना जी, जो फ्री दिए जाता साल तमाम जो है ना इस्तेमाल होता है मोमिन के लिए जी। हम लोग बनाए खाना, और यहाँ भी जो है इस साल सौ हमारे जितने मंदिर साहब होते तो काफ़ी जो है ना हफ्ते में एक दो तीन तो होती है। अच्छा, हर चीज़ के साथ बर्तन वगैरह हर चीज़ के साथ हम फ्री में देते हैं, और ऊपर बनाए वो भी जो मुसाफिर अगर कोई आके रुकना चाहे। अच्छा, रुकने का भी इंतजाम है? रुकने का भी इंतजाम है। अच्छा, तो अच्छे बाथरूम वगैरह। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ और बाबा बताओ कि ये मौलाली दरगाह है या क्या है, ऊपर क्या है? ये जो है ऊपर जो है मौला के पंजे का निशान है जी, तो मौला ये जो आपके नमाज पढ़े थे वो जाना वो सब पंजे का ऊपर निशान है। तो हमारे बादशाह के ज़माने में कोई बीमार हो गए थे, उनको दुआ करे थे तो जाना ये इशारा हुआ यहाँ तो आके देखे तो ठीक हो गए, ठीक हो गए, फिर जो है ना ये बनाई गई। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी बशारत हुई थी कि यहाँ पे मौला अली आके नमाज पढ़े। अच्छा, अंदर जाके भी आ सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए इनके जो बता रहे हैं सर की पंजे का निशान था सर पे, तो सम्मानित करने के बाद यहीं पर इनको मनफून किया गया। आप देख सकते हो ये पूरी इतनी खूबसूरत, यहाँ पे संगमरमर से काम हुआ है शायद, पूरा ये पूरा संगमरमर का है बना हुआ। देखिए यहाँ पे दो मज़ार है, ये है अच्छा मेन, ये है मेन, ये है। अच्छा, मैंने आपके प्राइम मिनिस्टरशिप चली। अच्छा, उसके बावजूद जो है ना उनको एक्सेप्ट नहीं करे। अच्छा, तो इनका जब इनको शहीद कर दिया गया उसके बाद में इनका यहाँ पे बना दिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दो ये जो मीनार यहाँ के बने हुए ना सारे बादशाही दौर के निज़ाम दौर के, देख सकते हो यहाँ के मीनार की जो डिजाइन बनाई गई है निज़ाम के दौर की डिजाइन है, देख सकते हो। उस तो ऊपर चला गया है, अब हम लोग यहाँ से पैदल पैदल ऊपर जाते हैं और हम जरूरत करते हैं जाकर। अच्छा, यहाँ पर भी निशान बनाया हुआ है। अब अलमा बढ़ने का है। अच्छा अच्छा, आशूर खाना। अच्छा, आशूर खाना। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे बनाया हुआ है, जियारत करते हुए जा सकते हैं। इसमें पूरा देखिए लिखा हुआ है अरबी से, क्या बोलते हैं इसको? अली मौला। अली मौला, सुभान अल्लाह। चलिए ऊपर चलते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर करा हुआ है, लगता है अभी मुहर्रम चालू हो रहा है ना, तो मुहर्रम की वजह से यहाँ पे पूरा ये कलर करा हुआ है यहाँ पे, देखिए। अभी ऊपर पूरा ये चट्टान वाली पहाड़ मेरे को चढ़ के जाना पड़ता। देखिए तुम्हारा भाई मिश्रा खान यूट्यूबर इसी तरीके से मेहनत करता था, करता है, करता रहेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना, क्योंकि आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना मुझे अच्छा लगता है। देखिए पूरी खड़ी चट्टान थी ये पहले टाइम में, यहाँ से पूरी खड़ी चट्टान से लोग जाते होंगे ऊपर, बट अभी सीढ़ियाँ बनाती हैं, सिटी नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि चट्टान से, पर हाँ ये भी कि इंसान पिसल के गिर जाता तो क्या होता, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और वो पत्थर देखो ऐसा दिख रहा हो पत्थर कि अभी भी हवा में लटका हुआ है, देख सकते हो, क्योंकि जरा सा भी खिसका तो ये पत्थर, इतना बड़ा पत्थर सीधा नीचे जा सकता आबादी की तरफ। और ये देखिए ऊपर भी कुछ बना हुआ है, अब वो तो मुझे पता नहीं क्या बना हुआ है, आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये पूरी सीढ़ियाँ मैं चढ़ते हुए अभी ऊपर जाऊँगा, आज मुझे यहाँ चढ़ते हुए ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं सऊदी, ओ मेरा दोस्त वहाँ पहुँच गया, देखो वो गाड़ी लेके वहाँ से पहुँच गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सऊदी में चल रहा हूँ, पर सऊदी नहीं है, ये हमारा इंडिया है। आप देख सकते हैं खड़े चट्टान से होते हुए निकलना पड़ रहा है यार, ये चट्टान कैसे हैं,
ये बिल्कुल मतलब अजीब तरीके के पत्थर है। ये अजमेर से थोड़ा डिफरेंट है, राजस्थानी पत्थर से थोड़ा डिफरेंट है। और ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह का नाम लिखा हुआ कितना प्यारे शब्दों में, ये देखिए अल्लाह का नाम लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है। ये किन किन का नाम लिखा हुआ है कमेंट करके मुझे बताना। अरे वाह, जितने भी पत्थर हैं उन पत्थरों में नाम लिखा हुआ है। अरे वाह सुभान अल्लाह, मैं भागते हुए जा रहा हूँ। इसके बाद ऊपर जो जाओगे फिर कैसे जाओगे? इसके बाद फिर ऊपर जाना पड़ेगा तुमको, और फिर पैदल जाते नहीं जाते, यही चुरकते। हाँ सही बात है, मैं इतना भारी शरीर रखने के ऊपर आ चुका हूँ। सही बात है, मगर इन्होंने बहुत हल्लू खाया है। हाँ देख लो हमारा भाई इतना भारी शरीर रखने के बाद इतनी सारी सीढ़ी नीचे की पूरे चढ़ के ऊपर आ गए, और मैं भी लेट आया। तो गाड़ी कहाँ तक जाती है? यहीं तक है। अच्छा ये देखिए, ये पहली बार गए। अच्छा वाओ सुभान अल्लाह। देखिए हमारे और भी भाई यूट्यूबर भाई आए हुए हैं। अरे जनाब मेन बार का यही वाली है, आगे भी जाना पड़ता है? 500 बजे। अभी कितनी देर गए? अच्छा नहीं, हम अजमेर शरीफ से। अच्छा अभी ये 100 सीढ़ी चढ़े, अभी आगे। आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत मंजर है, और यहाँ पर आप देखिए तो पूरी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पूरा नया सिटी पूरी बना है। देखिए छोटे लोग बोल रहे कुछ भी नहीं होता, तुम चढ़ सकते। ये देखिए यहाँ पे दुकान भी लगे हुए हैं, और मेरे को अभी ऊपर चढ़ के वहाँ जाना है ना, लास्ट में जाना है भाई। कुछ लोग बीच में से चढ़ रहे हैं, कुछ लोग सीढ़ियों का सहारा ले रहे हैं। यही है मौला अली की करामत बेशक। यहाँ पे सामान वगैरह मिलता है, खाने पीने का आप लेके जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये देखिए अभी ये वाली पहाड़ जो है ये मेरे को अकेला ऊपर पड़ी चढ़ के जाना पड़ा। जो गाड़ियाँ हैं मोटरसाइकिल वगैरह या कुछ भी बस यहाँ तक आती, इसके बाद ऊपर फिर जाना पड़ता मेरे को अकेले है। अब हमारा भाई यहीं चुरकता। ये आओ जी थोड़ा सा, थोड़ी हालत डाउन होती पर चढ़ जाते तुम। अब ये 200 सीढ़ी और चढ़ना पड़ता। 400 सीढ़ी अभी, हाँ 100 सीढ़ी चढ़ के आया मैं। ये देखिए अम्मा लोग बैठी इधर। ये मेरे को लगता है मुहर्रम में यहाँ माहौल तगड़ा होता होगा, है ना चाची? मुहर्रम कैसा होता है इधर पे? अच्छा ये पहली बार आए, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। चढ़ के आए ऊपर या चढ़ के जाते अभी? अच्छा बच्चे लोग चल गए, आप लोग नहीं गए? चढ़ाई बहुत है। सही बात है, इस उम्र में कहाँ चढ़ पाते हैं। सही बात है। देखो वो चाची लोग यहीं बैठे बोले हमारे बच्चे लोग ऊपर गए, चलो चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से लिखा हुआ देखिए जूते नॉट अलाउड, अब यहाँ से पैदल नंगे पैर जाना पड़ता हमारे को। वाह यार माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखिए हमारे कुछ और भाई लोग हैं। वालेकुम सलाम, पहचान गई जी? अरे साहब हाँ, अरे आप उन्हें बचाएंगे तो किसको बचानेंगे? अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या बात है माशाल्लाह, मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम मौला अली की दरगाह पे आए, हमारे भाई जान हमें मिले माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप? बरकस। बरकस ही हैदराबाद? अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें मालूम पड़ गया कि हैदराबाद आ गए खाने? अरे आप नहीं आएंगे तो क्योंकि माशाल्लाह। यहाँ का क्या वाकया मिलता है? ठीक है यहाँ का मतलब क्या सुने किससे कहानी वाकया कुछ सुने तो बताओ मेरे को। जैसे आप आए कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? जमाने से आ रहे हैं। यानी करीबन 10-12 साल आराम से हो गए होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्या वाकया सुना है आपने यहाँ के बारे में? हाँ जी, कर्बला नहीं जा सकते हैं, यहाँ आके ज़ियारत कर लेते हैं। अच्छा जो ज़ायरीन कर्बला नहीं जा सकते वो यहाँ पे आके ज़ियारत कर लेते हैं? अरे वाह माशाल्लाह।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत अली का पंजा है ना, हाँ उसे ज्यारत कर सकते हैं। बेशक बेशक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आया था, हमें हमारे भाई मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? माशाल्लाह, कैसा लग रहा मंजर आज? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाके ज़ियारत करके आए? ठीक है, माशाल्लाह, दिल को सुकून मिलता है इधर आने के बाद। चलिए अम्मी ज़ियारत करते हैं, और आपको कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और ये हमारा भाई, अरे मियाँ तुम सच में चल गए ऊपर? इधर पीछे देखो, हमारे बिलाल भाई सच में चढ़ के चल गए ऊपर। बहुत जल्दी जाते जी तुम, थोड़ा रुक के चलो, दुबले हो जाते। हमारी बुढ़ी अम्मा ले बैठी हुई है, इनको भी मदद करते हुए जाए। ठीक है, आता मैं आके देता हूँ, खुले पैसा भी नहीं है, आके देता। ठीक है, ऐसा बुढ़ी अम्मा लोगों का मदद करते हुए चला करो, अच्छा लगता है। मेरे को भाग भाग के जाना पड़ रहा, क्योंकि हमारे भाई जो है ना बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। ये देखो हमारा भाई बहुत जल्दी ऊपर चढ़ के चला गया। अरे छोटे छोटे बच्चे भी चढ़ के जा रहे जी ऊपर, तू ऊपर चढ़ के गई। तो एक चीज आपको बता दूं, कई लोगों को मालूम नहीं रहता है कि भाई ऊपर चप्पल पहन के नहीं जाना, तो थोड़ा ध्यान रखो गाइस कि जब आप आए तो चप्पल हाथ में लेके जाएं, या फिर चप्पलों को नीचे उतार के जाएं, क्योंकि हम भी नंगे पैर देखे चल रहे हैं। पाक पवित्र जगहों में चप्पल नहीं पहन के आना। सही बात है, देखिए कितना, अरे हम तो बहुत ऊपर आ गए जी, बहुत ऊपर आए है ना, ये पूरा नीचे का डाउन एरिया है वो। हाँ भाई, हमारा सिटी का है वहाँ उस तरफ बीच में, वो जो खाली एरिया दिख रहा है। देखिए हमारे जो हम रुके हुए हैं उस तरफ हमारा बहुत दूर है, बट हम लोग बहुत दूर आए हुए। देखिए सिटी उस तरफ है, वो ओल्ड सिटी। चलिए, बहुत बड़ा शहर है जी ये देखिए। एक चीज़ और बता दो गाइस कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। अब यहाँ से गाड़ी ऊपर चढ़ते हुए यहाँ तक ऊपर तक आती है ना, नहीं जाएंगे, मैं तो चला जाऊंगा। देखिए वो वाला व्यू जो बहुत अच्छा रहा ना, इधर से देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको बता दूं गाइस कि हमारा भाई बता रहा है कि आज से 10 साल पहले हम यहाँ पर आए थे, कुछ भी नहीं था, जंगल ही था। अभी बहुत आबादी, बहुत आबादी, और यहाँ पे इतना चेंज हो गया है कि मुझे खुद रास्ता भटक गया। मुझे है कि 10 से 20 साल पहले जो आपको ये पूरा आबादी नीचे तरफ दिख रही है ना, ये नहीं थी, पूरा जंगल एरिया था। जैसे वहाँ पे बाजू में जंगल एरिया देखो, वो जंगल दिख रहा ना थोड़ा बहुत, ऐसे जंगल एरिया हमारा भाई बता रहा है। बट अब आबादी हो गई है, बहुत खूबसूरत मंजर लगता है इधर से, और लोग पैदल जाकर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि पैदल आने से दुआ कबूल होती है। तो फाइनली हम लोग मौला अली की बारगाह पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे लोग फोटो शूट वीडियो कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तुम कहाँ से? वैसे हैदराबाद से ये? अच्छा अच्छा, तो अब हम अंदर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए काफ़ी लोग आते हैं, मौसम ठंडा है और बहुत अच्छा लग रहा। देखिए माहौल ठंडा है, अच्छा लग रहा। और जुल्फिकार लटकी हुई है सामने है ना, देखिए मौला अली के नाम की यहाँ पे जुल्फिकार भी लटकी हुई है। और हमारा भाई डरा नहीं, आ गया आज मेरे साथ पहाड़ी चढ़ के आया। मैं तो पहाड़ी चढ़ता ही हूँ, मेरा काम ही है, क्योंकि मेरे को आप लोगों तक वीडियो पहुँचाना है। चढ़, वालेकुम अस्सलाम। देखिए माशाल्लाह, जिस भी बारगाह में जाता हूँ हमारे भाई लोग मिल जाते, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पर भी जाता हूँ हमारे सब्सक्राइबर हमें मिल जाते हैं माशाल्लाह, जो बहुत अच्छा लगता है यार दिल को। मतलब अच्छा लगता है कि आप लोग मिलते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, क्यों, और आप लोग मिलते हैं, हौसला अफजाई होती है मेरी, मिला करें, और अच्छा लगता है मेरे को, और मैं भी आप लोगों से मिल के बहुत खुश होता हूँ, जैसे आप खुश होते हैं। ये देखिए ये पुराना गेट था जो थोड़ा सा डैमेज हो गया है, तो उसका रिपेयरिंग हो रहा है,
और यहाँ पे देखो कितनी पब्लिक, अरे पब्लिक तो बहुत आई है। हाँ देखिए पब्लिक बहुत आई हुई है जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज हाँ हाँ ये भारी है, ये देखिए पूरी फैमिली ग्रुप आए, ये देखो छोटे छोटे बच्चे आए। अरे एक चीज़ बताओ, इधर आओ मेरे को, ये इतनी मोटी मोटी जंजीर जैसे पहले भी दरगाह में गया था लगी थी, यहाँ पर भी लगी हुई है, क्यों लगी है? तो वो खादिम साहब से पूछता है अपन। जुल्फिकार, ये देखिए ये शायद देख दिख रही मेरे को, क्या हो सकता है ये? देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लोग पैसे डाल के जाते हैं। अंदर क्या है जी? अच्छा मन्नत का धक्का, मतलब सॉरी मन्नत का सिक्का डालते हैं। अच्छा अच्छा देखिए, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर वो कटोरे पे गिरता पैसा तो फिर क्या होता, मन्नत पूरी हो जाती, मतलब कोई भी मन्नत मांगो दिल से। देखो बाजी डाल रहे, अरे अल्लाह कोई बात नहीं। तो गाइस ये अकीदा है कि अगर आप लोग यहाँ पर मौला अली के दरगाह पे आते, गया अच्छा अच्छा देखते हैं। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखिए गाइस एक चीज बता दूं कि यहाँ पर ये मान्यता है कि अगर आपने सिक्का लेकर के और कोई मन्नत मुराद मांगी और आपने कटोरे के अंदर डाला, तो अगर आपका सिक्का कटोरे के अंदर पड़ जाता है तो आपकी इंशाल्लाह मन्नत मुराद जो भी होती है वो पूरी हो जाती है। सही है ना भाई? जी मतलब ये अकीदा है कि मतलब अगर सिक्का है उस सिक्का को पकड़ के कोई मुराद मांगे और मांगने के बाद कटोरे में डाले, तो अगर वो कटोरे में पड़ गया तो मुराद इंशाल्लाह पूरी हो जाती है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए भाई लोग हमारी जी जी माशाल्लाह। देखिए मैं वली अल्लाह की बारगाह की वीडियो बनाता हूँ, जब वहाँ कहीं पे जाता हूँ हमारे भाई लोग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक चीज बताओ कि ये क्या है? ये किश्ती है। क्या होता ये? किश्ती है ना, हवाला खेलने का, हवाला राउंड। अच्छा अच्छा अंगारी है, अंगारी इसके अंदर आग डालते हैं और आग डाल के गोल घूमते हैं। अच्छा अंदर मजार शरीफ भी वैसे? हाँ अंदर मजार शरीफ भी है। पैसे गिरे बोले तो मन्नत पूरी हो जाती है। अच्छा ये मजार गिरे तो होंगे इंशाल्लाह, जो कटोरे में बीच में गिरा था हो जाएंगे। अच्छा अच्छा मतलब बीच कटोरे में अगर पैसा गिर गया तो इंशाल्लाह उसकी मन्नत पूरी हो जाती, और बाकी अगर बाहर गिरा तो फिर कुछ नहीं कह सकते। ठीक है भाई, लिखा हुआ है आप यहाँ पर आए, अरबी में लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, नीचे भी आप ये पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत बना हुआ, ये मेरे हिसाब से ये नवाब के टाइम का बना हुआ जी, है ना, नवाबों के टाइम का ही बना हुआ लग रहा है। चलिए अभी अंदर चलते हैं, यहाँ के जो खादिम साहब होंगे। अच्छा एक चीज और बताओ जी, मैं कई बार गेटों के पास जाता हूँ हैदराबाद के, जितने भी दरगाह गेट हैं तो ये जंजीर बंधे रहते, जंजीर में ताले बंधे रहते, क्या अब थोड़ा मन्नत के आसर डालते हैं? अच्छा ताले डाल के मन्नत के आसर। अच्छा मतलब ये कि अपनी मन्नत मुराद मांगी, हाँ मतलब मन्नत के धागे और ये डोरा बांधा, चांद रात को ये पूरे बैठते आलम बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा आलम बिशरी भी यहाँ बैठते हैं, अरे वाह माशाल्लाह। तो देखिये यहाँ मन्नत के लोग ताले बांध के जाते हैं और अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती तो इंशाल्लाह ये ताला को खोल के चल जाते हो। ये क्या है जी? किश्ती है, नारियल फल तो सब पानी का किश्ती वाले। अच्छा देखिए ताले हैं यहाँ पर लगे हुए, तो आप देख सकते हैं मैं हैदराबाद में मौला अली की दरगाह पे पहुँच चुका हूँ माशाल्लाह, क्योंकि मौला अली की दरगाह के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है ये बारगाह। तो अब हम इन्हीं से जानकारी करेंगे जो यहाँ के खादिम साहब हैं, यहाँ के जो तो हजरत हैं, इन्हीं से जानकारी करके बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ का क्या वाकया है और यहाँ की क्या करामत है, थोड़ा बताएं। देखिए आज से 500 साल पहले निज़ाम से पहले मोहम्मद खिली कुतुब शाह की हुकूमत थी जी, दौर में उनके चार सहाबी थे जी, उनसे एक याकूब नाम था जी, याकूब बहुत बीमार हो गए थे,
डॉक्टर हकीम वगैरह हाथ उठा दिए थे बचेंगे नहीं बोल के जी, तो वो रोते पलाते थे, मौला को पुकारते करते थे जी, सुनते थे, गिरते थे, उठते थे, कई महीनों तक ऐसे चलते रहा जी। एक बार मौला बशारे में उनको सेहत दिए, जिंदगी दिए, जिंदगी दिन बशारे में बोले मौला देखो तो जिंदगी दे दिए, कुछ ऐसा तबरुक छोड़ के जाइए ताकि हम तक लोग शफा पाते रहें जी। उसको बादशाह भी बोले, वजीर भी बोले, एक जगह पहाड़ी है तो आओ, जब कुछ बनावा नहीं था ये जी, स्टोन था पूरा, एक जगह पहाड़ी है मौजा, मैं आ रहा हूँ। इधर आया, अंदर ठहरा, करा, रोया, पलाया, फिर नहीं दिखे उसको, फिर बेहोश होकर गिर गया जी। फिर वो मौला की ज़ियारत करा बेहोशी में, ज़ियारत करने के बाद हाथ पत्थर पर हाथ रख रहे थे मौला, वो भी देखा जी। देखने के बाद खुश हुआ, फिर उसके बाद जब आँख खोला मुझे तो मौला नहीं दिखे उसको, अपने बादशाह को जाके बोला जी। बादशाह इसी बात से बादशाह भी खुश हो गया, उसको जिंदगी मिल गई जी। फिर बादशाह आया, ज़ियारत किया, ज़ियारत करके आहिस्ता आहिस्ता ये इमारत बनाना शुरू करा जी। तो यानी ये कि 500 साल पहले एक शख्स को मौला अली की बशारत हुई और पंजे का निशान यहाँ पे अपने आप बन गया, और इसीलिए लोग जो आते हैं ज़ियारत करते हैं और फैजाब होके जाते हैं। ओरिजिनल हाथ का निशान है मौला का। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम होगा आपका जनाब? मीर सखावत अली रज़वी। अगर कोई इंसान यहाँ पे आना चाहता है, ज़ियारत करना चाहता है, तो किस तरीके से आ सकता है और क्या प्रक्रिया रहती है? कोई प्रक्रिया तो नहीं रहती है, आ सकता सुकून से, हर मज़हब और मिल्लत का आदमी आता है यहाँ भी जी। और मैं देखता हूँ यहाँ पर कि मन्नत के लोग धागे बांधते हैं, धागे काले वगैरह लगाते हैं, ये सब अपना अपना मन्नत हो गई तो आते हैं, बकरे वगैरह काटते, नियाज वगैरह करते। अच्छा, तो चले जाते हैं काम होने के बाद, मतलब सब अपना अपना अकीदे के ऊपर है। अकीदे के ऊपर। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कहने का मतलब ये कि जैसे कि अकीदे के ऊपर है कि जैसे किसी ने मन्नत मांगी कि हमारी ये मुराद है इंशाल्लाह यहाँ पूरी हो जाती, तो ये ताला में भी बांध के जा रहे हैं, और जब मन्नत हो जाती तो ये ताला खोल के ले जाते ले जाते। ठीक है, एक चीज़ और मैं देखता हूँ यहाँ पर, नारियल फोड़ने का मतलब थोड़ा समझाओ। अपना अपना अकीदा है, जो गैर मजहब के भी लोग आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके अकीदे से ये करके जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि जो गैर मजहब के लोग भी आते हैं, मतलब सारे धर्म को यहाँ पे अलाउ है, किसी की कोई भी मना नहीं, तो जो गैर मजहब के भाई लोग आते हैं वो अपना नारियल करके जाते हैं, नारियल चढ़ा के जाते हैं और ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मुस्लिम भाई आते हैं वो धागा बांधते, ताला बांधते, हाँ पूरी हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे जहन में कई बार कन्फ्यूज़ था, और आपके जहन में भी कन्फ्यूज़ आगा कि यार बारगाह में नारियल का क्या काम, तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये अकीदे के ऊपर है, वो गैर मजहब के भाई लोग जो आते हैं वो करके जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी रह गई थी पूछना कि यहाँ का जो उर्स होता है वो कब होता है? 12 रजब से 19 रजब तक होता है, 12 रजब की फजर में पैदाइश का दिन है। अच्छा, 12-13 बहुत रश रहता। अच्छा, उसके बाद 8 दिन चलता है उर्स यहाँ का। 8 दिन उर्स चलता है यहाँ का, 12 से 19 तक, मतलब बड़ी शान और शौकत से यहाँ पे उर्स मनाया जाता है। और मुहर्रम के टाइम में मुहर्रम भी यहाँ पे कल अलम मुबारक बैठ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, अलम मुबारक कल से ज़ियारत होती। ठीक है, बहुत मौला अली की बारगाह है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मौला अली का आप चिल्ला कह सकते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, नमाज पढ़ते, इबादत पढ़ते, कुरान पढ़ते, माशाल्लाह दुआ करते हैं और ज़ियारत करते हैं। देखिए सुभान अल्लाह, ये देखिए दुआएं मांगते हैं, फैजियाब होके जाते हैं यहाँ से। और देखिए कितना खूबसूरत प्यारा यहाँ पे बनाया हुआ है, लेडीज़ के लिए देखिए अलग इबादत गाह बनाया हुआ है यहाँ पे, जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग इबादत गाह है, सुभान अल्लाह। और ये पुराने ज़माने के आर्किटेक्ट है, और जो पंजे मुबारक है अंदर है वो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता, बाकी बहुत खूबसूरत है। मैंने अभी ज़ियारत करी, आप भी आएँ यहाँ पर ज़ियारत करके जा सकते हैं। ये देखिए पंजे मुबारक, इसके अंदर जो देखिए जा रहा है, अंदर ही पंजे मुबारक है, और अंदर जाके ज़ियारत कर सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह। देखिए ये देखिए मन्नत का धागा बांध रहे हैं, जो भी परेशानी बीमारी रहती है इंशाल्लाह इनके सदके वसीले से सब ठीक हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो बच्चे लेकर के आते हैं, अगर किसी की तबीयत ख़राब है, बीमार रहता, तो ये दम करा हुआ पानी रहता, दम करा हुआ पानी पिलाते और मन्नत का धागा बनते हैं।
इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी बच्चे जो होते हैं या कोई भी घर में बीमार आदमी होते हैं वो इंशाल्लाह ठीक होकर के चल जाते हैं। और यहाँ पे दो बार क्या होता है, लुभान होता है, अच्छा शाम को 6 बजे और सुबह 5 बजे लुभान होता। और यह लुभान में इतनी शिफा होती है कि लुभान लेने के बाद इंसान जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। तो इंशाल्लाह जब लुभान होगा तो मैं लुभान भी आपको दिखाऊंगा, सुबह शाम लुभान होता। देखिए यहाँ पर मज़ार शरीफ भी मौजूद, अंदर देख सकते हो, ये यहाँ के जो खादिम साहब थे उनकी मज़ार अंदर देख सकते हो, ये यहाँ के जो पहले खादिम थे खिदमत गुजार उनके मज़ार है। अब ये देखिए ये यहाँ के जो पहले खिदमत गुजार थे उनकी मज़ार शरीफ यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है? फिक्की भी साहिबा। अच्छा ये किन की मज़ार है? ये इनके हजरत अली के खादिम थे। अच्छा खिदमत गुजार, इनको बशारा हुआ था तो ईरान से यहाँ तशरीफ लाए। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए बशारत हुई थी तो ईरान से तशरीफ लाए थे और फिर यहाँ पर से आपस में बातचीत हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मेरी खिदमत करना है तो मेरी शर्त मंजूर करना। अच्छा जी, बोले क्या है जी जी, कवारे रहना, शादी नहीं करना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 5 वक्त नमाजी रहना। जी जी जी, हमारी भी एक शर्त आप कबूल करोगे तो हम आपकी शर्त कबूल करेंगे। जी 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 जी, आपकी शर्त क्या है? जी आपकी मजार की फूल हमारी मजार पे चढ़ना बस। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये देख सकते हो ये जो खादिम साहब थे जो खिदमत गुजार थे उनकी मजार शरीफ है और वहाँ पे जो चढ़ता है फूल वगैरह उनके मज़ार का फिर यहाँ पे चढ़ता है, यानी पंजाब। ये देखिए मौला अली की बारगाह में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखो हमारे भाई लोग आए, कहाँ से है भाई अपन? नेपाल से आए हो, कैसा लगा? मस्त है माशाल्लाह। देखिए भाई लोग हमारे नेपाल से आए और पूरा पहाड़ी चढ़ के वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं अभी। ये देखिए सारे घर धर्म के आते हैं यहाँ पे लोग। नेपाल से आए भाई? हाँ नेपाल, काठमांडू से भाई? अच्छा अच्छा, हमारे भाई लोग नेपाल काठमांडू। हमने वादा किया था कि नीचे आते वक्त आपको 5 रुपए देंगे। हाँ वालेकुम सलाम, हमने वादा किया था तुमको 5 रुपए देंगे जी। अच्छा तला दिन बोर्ड डाले मई थी ये बिना बने मई थी मजीद चारों को तरह से बना मई थी। अच्छा बाहर से पैसा हो ये सब टेबिला बने दिलित ऊंची तो आप ही थे यहाँ पे? वो माल तैयार होने का कमरा बना जब ये सीढ़ियाँ बन रही थी तब भी आप थे? पानी की सीढ़ी बनी। अच्छा मस्जिद बनी। आप यहाँ पर झाड़ू लगाने का ये सब खिदमत करने का कब से कर रहे हैं? बेवा आदमी मेहनत कर कभी महरूम है, भीख भी नहीं मिलते क्या जिएंगे बोलो। सही बात है बेटा, यहाँ से हो तक लाइन है। ये जो आप खिदमत करते हैं झाड़ू लगाते हैं साल में 3 वक्त आते गवर्नमेंट के लोग रोज तो मैं झाड़ना। सही बात है, तो कब से आप यहाँ खिदमत तो कर रहे दादी? जेबा भर को चले आते। सही बात है, भी बढ़ते मर्दा वाले भी बढ़ते कमाने वाले भी बढ़ते। सही बात है, कारोबार करने वाले भी बढ़ते पर खिदमत आप कर रहे हैं। किधर जाना फायदा नहीं बोलो। सही बात है। अच्छा अम्मा एक बात बताओ तो आप यहाँ कब से कितने साल से खिदमत कर रहे हैं? हो गए होंगे 30 साल आराम से, 30 से 40। नहीं देखे जाएंगे नेपाल वाले भाई ये देखे जा रहे हैं मदद करके, वो हमारा अभी वो आता ना ऊपर से वो भी देगा हमारा आदमी है। अभी फिलहाल में तो मैं अम्मा की मदद करके जा रहा इतना, पर मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर आता है हमारी अम्मा को मदद करके जा सकता है। आती अच्छा हमारी अम्मा को मदद कर जाता। अच्छा तेरे आते हैं अलमे मुबारक, वहाँ भी मैं करना यहाँ भी मैं करना, आप आके देख लो कोई एक गाड़ी नहीं उठाता और उठा बोले तो आपका चप्पल में रहता। अम्मा की मदद करके जाना यार, आपके बारे में अम्मा की मदद। मेरा नाम मेहरूनी सा, इनकी मदद करके जाना ठीक है बहुत बेटा, हाथ बताने को लगे। हाँ सही बात है, नहीं बेफिक्र रहो आप देख सकते हो ये उतरने वाला रास्ता है। मतलब यार यहाँ पर धीरे चलो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख सकते हो ये उतरने वाला पूरा रास्ता है, ये उतरने वाला रास्ता है। आप लोग यहाँ से गाड़ी से भी जा सकते हो और आप लोग बाइक से भी जा सकते हो। देखिए काफ़ी लोग गाड़ी से यहाँ से जाते हैं, देखिए ऊपर पूरा पहाड़ में चढ़ के गया था मैं और इधर से पूरा पैदल आप जा सकते हो गाड़ी से। ये देखिए ये जा रही है गाड़ी, तो आप चाहो तो यहाँ से पैदल यहाँ से भी जा सकते हो, गाड़ी के थ्रू भी जा सकते हो और पैदल भी जा सकते हो, पैदल और गाड़ी का दोनों का रास्ता है। हाय
देख सकते हो ये गाड़ी वाला रास्ता है, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे। हमारी आपा जान हमारी बहनें मिली हमें माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप? नागपुर से हैं, जो हमारे वीडियो को देखते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं नागपुर बाबा ताज की पहले वीडियो बना चुका हूँ जो मिलियंस में वायरल है, और इंशाल्लाह फिर नागपुर आऊँगा तो घुमाइएगा जरूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी बहनें आपा जान सब हमारे मोहब्बत करते हैं, हमारी वीडियो को पूरा सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।